तरह की घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं को लेकर क्या किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव आप लोगों ने पास किया? हमने 4-5 प्रस्ताव पास किए हैं। एक प्रस्ताव हमने खाद्य सुरक्षा को इसमें बचाने को लेकर है, दूसरा प्रस्ताव शिक्षा का जो निजीकरण किया जा लग रहा है उस निजीकरण के खिलाफ और नई शिक्षा नीति 2020 का विरोध के खिलाफ हमने प्रस्ताव पारित किया है। तीसरा प्रस्ताव हमने 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद के दौरान जो दलितों ने भारत बंद किया था उनके ऊपर अभी भी मुकदमे दर्ज है, उन मुकदमों को रद्द करवाने के लिए। और चौथा सवाल उस प्रस्ताव जो है वो जिस रूप की भयंकर किस्म की बेरोजगारी आज हरियाणा के अंदर 40% का आंकड़ा पार कर गया बेरोजगारी के अंदर, तो बेरोजगारी के खिलाफ और रोजगार बचाने के लिए हमने ये प्रस्ताव पारित किए हैं। इसी के साथ हमने प्रस्ताव पारित किया है कि जिन जिला के अंदर दलित समाज के द्वारा यहाँ भक्ति आंदोलन के संतों की मूर्तियाँ स्थापित करने के लिए जो प्रशासन द्वारा घोषणा की गई है अभी तक भी वहाँ मूर्तियाँ नहीं लगाई जाने लग रही चौक के अंदर, वो मूर्तियाँ स्थापित करने के लिए दलित समाज पूरा आज आंदोलन के ऊपर अनशन कर रहे हैं, तो उनके आंदोलन का भी हम समर्थन करते हुए उनके लिए हमने प्रस्ताव पारित किया है। और मणिपुर के अंदर ये जो हिंसा हो रही है आज, तो मणिपुर में शांति बहाली के लिए और वहाँ का मुख्यमंत्री को उसमें बर्खास्त करने के लिए भी हमने प्रस्ताव पास करके ना 25 तारीख को पूरे देश के अंदर जन संगठनों के द्वारा मणिपुर के समर्थन में उसकी शांति बहाली के लिए आंदोलन विकसित के उसमें आह्वान किया गया है। उसके अंदर दलित अधिकार मंच हरियाणा राज्य कमेटी का एक एक कार्यकर्ता बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करेगा। हरियाणा के अंदर काफ़ी दलित संगठन काम करते हैं, तो उनके साथ कैसे इतने बड़े सामंजस्य बनाओगे, आपकी क्या रणनीति होगी? देखो, हमारी इच्छा ये है, हमारा प्रयास भी यही है कि आज जितना बड़ा हमला है संविधान के ऊपर, संविधानिक अधिकारों के ऊपर, तो वो हमला रोकने के लिए कोई एक संगठन का के उस बस की बात नहीं है। इसलिए हम अपील करते हैं कि जितने भी दलित संगठन हैं, चाहे वो किसी भी एंगल से काम कर रहे हो, तमाम दलित संगठनों से